बात करते हैं सुविधा में जो बंदा बैरागी का जो जन्मोत्सव मना जा रहा है, इसके मुख्य अतिथि है राजकुमार सैनी जी। इसी की खुशी में आज दिखाना चाहूंगा जो इसके समर्थक जो इसके कार्यकर्ता यहाँ पर उमड़े हैं, किस प्रकार से पूरे शरीर के ऊपर पेंट किए हुए हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम संदीप सैनी, उलाना कला से हूँ जी। मैं राजकुमार सैनी का बहुत ही तगड़ा फैन हूँ जी, जो इसको सपोर्ट भी है और मेरे घर के भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कितने समय से जुड़े हुए आप राजकुमार सैनी के साथ? मैं कम से कम 2-3 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। क्या अब आपने जैसे पूरी खुशी में आपने पूरा पेंट किया हुआ है, तो क्या आप इसे राजकुमार सैनी के क्या ऐसे विचार लगते हैं आपको? मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जागो, अब अभी नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे? ये जागने का समय है, तो आपको जागना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि इतना जागो कि लोगों को भी तो एक दूसरे को भी सपोर्ट करें, ताकि राजकुमार सैनी की वोट दें। अब की बार हरियाणा में सीएम राजकुमार सैनी आने चाहिए। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से यहाँ अन्य नेता भी, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र। राजेंद्र जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप 2019 में चुनाव होने वाला है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को लेकर? हम जो राजकुमार सैनी के साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके मुद्दों के आधार पर जुड़े हुए हैं। जो मुद्दे उनके पास है आज तक किसी राजनीतिक व्यक्ति के पास नहीं थे, जो पुराने सीएम रह चुके हैं। क्या मुद्दे? ऐसे क्या मुद्दे हैं सर? क्या कहने का तात्पर्य है कि ऐसे मुद्दा है जो हमारे हिंदुस्तान राजनीति को खोखला कर रही है, जो राज्यसभा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है जो हिंदुस्तान पे सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है, जो अरबों खरबों का रुपए का बजट जो है इन पे खराब जाता है, सबसे बड़ा मुद्दा तो राज्यसभा को खत्म करना है। उसके बाद जो सामान्य है, बदो हमारे दो सभी के दो होने चाहिए, बच्चे जिसमें सभी धर्मों के दो होने चाहिए, एक रोजगार और परिवार के लिए एक रोजगार मुहैया कराना, एक मेनरगा को किसानों से जोड़ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और 100% आरक्षण जो आज तक किसी ने कहा, किसी ने डिमांड नहीं की राजनीति में, जिसकी 1% की भागीदारी हो 1% लड़े, जिसकी 10% की भागीदारी हो 10% मिले, कहना मतलब कोई वंचित ना रहे, ना कोई परिवार वंचित रहे रोजगार से, ना कोई आरक्षण से वंचित रहे, किसी का कोई समस्या ना रहे, ताकि अमन चैन से हरियाणा बस सके और हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। नंद किशोर जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के यदि हम कार्यकर्ताओं की बात करते, तो आप एक मजबूत और संघ काफी करते हैं, जब भी देखते हैं यही, यदि पानीपत रैली की बात करते हैं वहाँ पर भी यही, यदि सफीतो जन्मोत्सव पर जम्मू का अतिथि बुलाए गए यहाँ पर भी आप काफी अपनी एक भूमिका रहती है राजकुमार सैनी को जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को लेकर के, तो क्या आगामी आपकी पार्टी की तरफ से और आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा, पहले ये जानना चाहेंगे? नहीं देखो, मैं आपको बताऊं, मेरा मैं सामाजिक नाते लगा हुआ हूं जी जी, और जो माननीय सांसद चौधरी राजकुमार सैनी जी के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से प्रभावित होकर के जो मेरा संगठन था सूर्यवंशी क्षत्रिय महासभा, मैंने पूरा संगठन इसी पार्टी के लिए, मैं गुड़गांव से हूँ और पूरा संगठन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के लिए मेरा काम कर रहा है। और मैं तो जो पूरे हरियाणा में घूम के ये लहर देखी है, जिस तरह से लोग दिवाली का इंतजार करते हैं और उसी तरह से हरियाणा में आने वाले चुनाव का दिवाली की तरफ से इंतजार कर रहे हैं, जिस तरह से भगवान रामचंद्र जी के आने की खुशी में खुशी मनाई थी लोगों ने, उसी तरह से हरियाणा की जनता राजकुमार सैनी जी को वोट दे के बहुत बड़ी खुशी मनाने जा रही है।